आज मैं अलखिदमत अफ्तार जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ पे मौजूद हूँ। पहले रोज़ा से लेके अब तक जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 70 से 80 अफराद तक यहाँ पे हमारा दस्तरखान पे लोग मौजूद होते हैं, और उसके अलावा 250 से 300 पार्सल रोज़ाना हम मुसाफिरों में और अस्पतालों में और मुख्तलिफ जगहों पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शबीर पेपरडी साहब और उनकी फैमिली की तरफ से आज तीसरा दिन है यहाँ पे अफ्तारी का बंदोबस्त उनकी तरफ से होता है, और यहाँ पे जो है हम उनकी तरफ से यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 अफराद तक जो है ये पार्सल हम पहुँचा रहे हैं। आज भी हमारा ये पार्सल अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, और थोड़ी देर में ये हम मुसाफरों में तकसीम कर देंगे। यहाँ पे दस्तरखान भी बिछ गया है और तैयारी है, उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ी देर में मुसाफर हजरात आ जाएंगे और उन पर हम अफसारी करेंगे। मैं अपनी टीम की तरफ से, अलखिदमत टीम शबकदर की तरफ से, शबीर पेपरडी और उनकी जो भी फैमिली मेम्बर है और उनके साथ जो तावन करने वाले लोग हैं उन सबका मैं मशकूर हूँ कि उनके तावन से जो ये सिलसिला इंशाल्लाह हमारा आखिरी रमज़ान तक जारी रहे। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम किए ही जाऊंगा। अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब किए ही जा